आज के वेबिनार में क्रक्स था प्रोजेक्ट या रिटेल। यह बात आर्किटेक्ट्स, एंटरप्रेनर्स, कंपनीज और एमएनसीज ने कही कि मटेरियल की डिमांड रेजिडेंशियल सेगमेंट से ज्यादा रहेगी क्योंकि लोगों ने घरों के महत्व को समझा है। HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इनके घर इस पीरियड में बनाने की कवायद जोर से शुरू हुई है क्योंकि उनके पास पैसे हैं और वो नए घरों में जाना चाहते हैं क्योंकि इस लॉकडाउन में उन्होंने महसूस किया कि उनके घरों में क्या लिमिटेशंस हैं और नए घरों में जाना, फार्म हाउसेस बनाना, रेस्ट हाउसेस बनाना और नए ऑफिसेस बनाना भी चलन का हिस्सा बन रहा है। यानी हम 3 से 4 महीने बाद उस सेक्टर में, रेजिडेंशियल सेक्टर में नई डिमांड देखेंगे। हमारे आज के पैनल में यह भी कंक्लूजन हुआ कि अगर आप सिर्फ प्रोजेक्ट के प्लेयर हैं तो आपको रिटेल कंसीडर करना होगा। अगर रिटेल कंसीडर नहीं करेंगे तो आने वाला समय रूरल इंडिया का भी है, Tier 3 towns का भी है, Tier 2 town का भी है। यानी प्रोजेक्ट के साथ साथ रिटेल को ध्यान देना होगा क्योंकि प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में डिफर हो सकते हैं। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के पास अगर पैसा होगा तो वो रुकेंगे नहीं, लेकिन अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के पास पैसा नहीं होगा तो आज की भी डिमांड अफेक्ट होगी, आने वाले समय की डिमांड तो थोड़ी डिलेड है ही। इमीडिएट राहत की बात यह है कि फर्नीचर सेक्टर बहुत तेजी से उठ रहा है। हम सभी ये बात समझ रहे हैं कि चाइना के अगेंस्ट एक तेजी से सेंटीमेंट काम कर रहा है जिसमें बिल्डर हो, बायर हो, डीलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, आर्किटेक्ट हो, डिजाइनर हो, फर्नीचर मेकर हो या कोई भी सप्लायर हो, वो इंडिया मेड मटेरियल को बल दे रहा है। आत्मनिर्भर भारत की नई पॉलिसी मोदी जी ने शुरू की है वो भी बहुत तेजी से आगे पांव पसारेगी। लोग कहते हैं कि उसमें तो सिर्फ लोन है, मैं कहता हूं लिक्विडिटी है। अगर लिक्विडिटी है तो बिजनेस है, अगर लिक्विडिटी नहीं है तो बिजनेस नहीं है, प्राण नहीं है। लिक्विडिटी यानी प्राण शक्ति, लिक्विडिटी है तो प्राण शक्ति है, लिक्विडिटी है तो हमारी आशाएं जिंदा है। आप इस आत्मनिर्भर भारत में दिए जा रहे किसी भी लोन को यूं ही ना समझे कि ब्याज भरना है, यह मौका है, हमें इसे उठाना है। जो भी एंटरप्राइजेस लोन ले सकते हैं उन्हें लेना है। हम अपने काम को अपनी मेहनत से आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हम सभी एंटरप्रेनर्स हैं। आज हम ऐसे दौर में खड़े हैं जहां पर बिजनेसेस खुलने जा रहे हैं, बिजनेसेस खुलेंगे, डर हमारे बीच होगा, टीम्स का मोटिवेशन नीचे होगा। हम सभी को मोटिवेशन को उनको आगे बढ़ाते हुए, डर को कम करते हुए, लिक्विडिटी बढ़ाते हुए, सही एरिया में टारगेट करते हुए गाड़ी को आगे चलाना ही होगा। मित्रों, अगर आप ये नहीं करते हैं और सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा, तो यकीन जानिए आपका शेयर कोई और ले उड़ेगा। अगर आप एक डीलर हैं और ये सोचते हैं कि मैं अपनी दुकान नहीं खोलूंगा, बाकी सबकी खुल जाने दो, यकीन मानिए आपकी साइट आपके खुलने का इंतजार नहीं कर रही। वहां पर मटेरियल हो सकता है कि आपके पड़ोस से, आपके पीछे से पहुंच रहा हो। मैं ये नहीं कहता हम सभी बाजार खोल दें और कोरोना से सुरक्षित ना रहें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप केयर नहीं करते हैं, आपकी प्रेफरेंसेस हैं कि नहीं मैं पहले सुरक्षित रहूंगा, 2 महीने इंतजार करूंगा, बेशक आप सही हैं, इसका मतलब आप अपने डिसीजन पर अड़ी हैं। यह बात तो जनरल सबके लिए लागू होती है। अगर वो बिजनेस माइंडेड है, रेडी है, तो उसे आगे बढ़कर अपने काम को बढ़ाना होगा। आज के वेबिनार का क्रक्स था कि प्रोजेक्ट हो या रिटेल, मार्केट दोनों को एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन रिटेल आगे बढ़ेगा। प्रोजेक्ट में ज्यादा वॉल्यूम्स है, प्रोजेक्ट्स में स्कोप है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग सकता है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, अगर उनके पास पैसा है तो आपको पैसा देंगे और वहां डिमांड बनी रहेगी। यानी नियर टर्म में 4 months to 6 months चलते हुए प्रोजेक्ट्स आपको ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन अगर प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे तो वो रुके रहेंगे और वो डिफर हो जाएंगे। और इस पीरियड में अगर आपको चलना है तो आपको अपना दायरा बढ़ाना होगा, आपको अपनी दुकानों की संख्या बढ़ानी होगी, आपको अपने बायर्स की लिस्ट बढ़ानी होगी और इसके लिए आपको बड़ी स्मार्टली कोरोना से सुरक्षित रहते हुए अपना काम बढ़ाना होगा। लिक्विडिटी लेने के साथ, उधार लेने के साथ बिजनेस और व्यापार को बढ़ाने की क्लैरिटी ही 2020-21 में हमें बचा सकती है। भाइयों, मैं प्रगति रिप्लाई रिपोर्टर से हर आने वाले संडे को किसी न किसी विषय पर 1 घंटे का वेबिनार या कोई सेशन या कोई इंटरव्यू जरूर कंडक्ट करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी इंडस्ट्री, हमारी बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री रुके नहीं, आगे बढ़े, क्योंकि हमारा
हमारी इंडस्ट्री का जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है और आप अकेले नहीं हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना, आप सभी उसके भागीदार हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, सी यू।